दोस्तों, आज हम आए हैं चंदेरी। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह मालवा व बुंदेलखंड की सीमा पर बना है। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है। प्राचीन समय में यह मध्य भारत का प्रमुख व्यापार केंद्र था। इसी कारण खानवा युद्ध की लड़ाई के बाद बाबर भी चंदेरी किले की ओर चढ़ाई करने लगा। खानवा युद्ध में बाबर और उसके सैनिकों का सामना कर चुका राजा मेदिनी राय और उसकी सेना ने मुगल बादशाहों की पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगलों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर मेदिनी राय ने बादशाह अकबर के साथ लड़ाई करने का मन बना लिया था। यह है चंदेरी का किला, जो कि अपने आप में कई ऐतिहासिक युद्ध की गाथा समेटे हुए है। चलिए बात करते हैं 1528 ईस्वी के युद्ध की। इतिहास में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को मुगल शासक बाबर व राजपूतों के बीच लड़ा गया। इस किले पर बाबर की काफ़ी समय से नज़र थी। नगर के सामने 230 फुट ऊंची चट्टान पर यह दुर्ग बना था। दुर्ग आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह बेहद सुरक्षित किला माना गया था। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेराव जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों पार जाना बेहद मुश्किल था। और पहाड़ी से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना होना यह भी लाजमी था। कहा जाता है कि बाबर का दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कह दिया। सेना ने एक ही रात में ऐसी दरार बना ली जिससे पूरी सेना, हाथी व तोपें किले के सामने पहुंच गईं। आज उसे कटी घाटी या कटा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने जब सुबह अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो दंग रह गए, लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना किया। राजपूतों ने बाबर का डटकर सामना किया, लेकिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। अब किले पर बाबर का अधिकार था। सभी रानियों ने सुहागनों का श्रृंगार कर स्वयं को जौहर की चिता के हवाले किया। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का यह जौहर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। राजपूतों के शौर्य और रानियों के जौहर के अविश्वसनीय प्रदर्शन से बाबर इतना बौखला गया कि उसने इस किले का संपूर्ण विध्वंस करा दिया और इस किले का कभी उपयोग नहीं किया। युद्ध में राजपूतों की बुरी हार होने के कारण मेदिनी राय ने बाबर से संधि कर ली और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस संधि के अनुसार मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों का विवाह कमरान और हुमायूं से करा दिया गया। चंद्रगिरी नामक एक पहाड़ी पर शहर के ऊपर 71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह चंदेरी किला। यह किला 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। यह किला एक विशाल किला है। इस किले में
तीन प्रवेश द्वार हैं, ऊपर के द्वार को हवापुर और नीचे के द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। किले के दक्षिण पश्चिम में एक रोचक दरवाजा है जिसे कट्टी घट्टी कहा जाता है। किले के ऊपर से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है। यहाँ से किले के सैनिक पहरा देने का कार्य करते होंगे, क्योंकि यहाँ से नदियाँ, पहाड़ और पूरा शहर आसानी से आप देख पाते हैं। यह है किले में प्रवेश करने का पहला दरवाजा जिसे खूनी दरवाजा कहा जाता है। माना जाता है कि कैदियों को खूनी दरवाजे के ऊपर दुर्ग से फेंका जाता था और नीचे गिरकर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, इसलिए इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा गया। एक और कहावत के अनुसार जब बाबर ने किले में प्रवेश किया तो इतना रक्तपात किया कि इस दरवाजे से सैनिकों के खून की धारा बहने लगी थी, इसलिए इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा गया, जिसका मतलब है ऐसा दरवाजा जो खून से रंगा हो। किले का प्रांगण बहुत ही बड़ा है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे व बगीचे आसानी से देखने को मिलते हैं। इस दुर्ग में पानी को इकट्ठा करने व पानी को बाहर निकालने की उचित सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ आपको खाने के लिए और ठहरने के लिए भी होटल ऊपर दुर्ग में ही आसानी से मिल जाएगा। ये आपके खाने की उचित सुविधा के लिए बनाया गया होटल है। इस दुर्ग से दूर दूर तक पहाड़ियाँ, जंगल, पेड़ पौधे आसानी से दिखाई देते हैं। यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। चंदेरी शहर में एक प्राचीन देवी का मंदिर भी है जो कि माँ जागेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को चंदेरी के राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। यह मंदिर चंदेरी किले के पास ही स्थित है। मंदिर में माता जागेश्वरी देवी की प्रतिमा है जो कि एक खुली गुफा में स्थित है। मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग देखने मिलेगा जिसमें 1100 छोटे शिवलिंग हैं। जागेश्वरी माता का मंदिर में आपको प्राकृतिक झरने, मोर, बंदर इत्यादि जानवर देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के राजा कीर्तिपाल, जो कि कुष्ठ रोग की बीमारी से पीड़ित थे, एक बार राजा जब जंगल में शिकार को जा रहे थे तब उन्हें एक विशाल तालाब दिखा जिसमें उन्होंने जाकर स्नान किया। स्नान करते ही राजा कीर्तिपाल का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। जिस तालाब में राजा ने स्नान किया उसका नाम परमेश्वर तालाब है। राजा जब स्नान करके तालाब से बाहर निकलने लगे तभी वहां देवी प्रकट हुई और वो राजा से बोली कि वे यहाँ पे एक मंदिर बनवाएं, तथा मंदिर बनने के पश्चात मंदिर के पट 15 दिनों तक नहीं खोलें। परंतु राजा ने तीसरे दिन ही मंदिर के पट खुलवा दिए। तब उन्होंने पाया कि देवी का केवल मुख ही प्रकट हो पाया था, पूरी मूर्ति नहीं। तभी से यहाँ पर माँ जागेश्वरी देवी के नाम पर 15 दिनों का मेला लगता है। इन्हीं दिनों यहाँ एक विशाल पशु मेला भी लगता है। यह मेला
गणगौर पर्व पर आयोजित किया जाता है। चंदेरी भोपाल से 220 किलोमीटर तथा ग्वालियर से 210 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ नज़दीकी रेलवे स्टेशन ललितपुर 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप बस, टैक्सी, कार या बाइक से आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।